बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनरों के शूटआउट में शामिल माफिया अतीक अहमद और अशरफ के परिवार की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है। जानकारी मिल रही है कि अतीक और अशरफ की फरार पत्नियों समेत 6 आरोपियों के घरों की कुर्की की जाएगी, जहां अतीक अहमद की पत्नी और 50,000 की नावी शाइस्ता परवीन की संपत्ति कुर्क होगी। इसके अलावा अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, हत्याकांड में फरार तीनों शूटर्स बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान के घरों की भी कुर्की की जाएगी। इसके लिए धूमनगंज थाना पुलिस को कोर्ट से कुर्की की अनुमति मिल गई है। इन सभी आरोपियों के घर पर पुलिस ने मुनादी की कार्रवाई पहले ही पूरी कर ली है। इसके बाद अब धूमनगंज पुलिस धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई करेगी। पुलिस ने CRPC की धारा 82 के तहत कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किया था। नोटिस जारी होने के बाद भी आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया है। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप में सभी 6 आरोपियों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। बता दें कि पुलिस पहले भी माफिया अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ कई बार कुर्की की कार्रवाई कर चुकी है। फरारी के दौरान अतीक और अशरफ के घर का सामान पुलिस ने कुर्क किया था। इसके साथ ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान भी अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था, जिसके बाद अब पुलिस शाइस्ता परवीन के किराए के चकिया स्थित मकान के सामानों की कुर्की करेगी। जैनब फातिमा के हटवा स्थित मकान की कुर्की होगी। बहन आयशा नूरी के मेरठ स्थित मकान पर कुर्की की कार्रवाई होगी। गुड्डू मुस्लिम के शिवकुटी थाने के पीछे स्थित मकान की कुर्की की जाएगी। शूटर साबिर के मरियाडी अरमान के सिविल लाइन स्थित कमरे की कुर्की होगी। कोर्ट से कुर्की का आदेश मिलने के बाद अब पुलिस जल्द ही कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक अहमद को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अखलाक अहमद पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण देने और आर्थिक तौर पर मदद करने का आरोप है। बता दें कि इसी साल की 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात दो सरकारी गनर की गोली और बम से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में नामजद आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और अरमान पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है, जबकि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी भी वांटेड है, लेकिन उन पर इनाम घोषित नहीं है, जिसके बाद इनके संपत्ति और सामान को कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।